दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो बोल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये एक तरह से फिलर के रूप में इनका ज्यादा प्रयोग होता है। फिलर बोले तो जैसे कि ड्रम बज रहा हो या ऑक्टोपैड बज रहा हो तो उसके साथ तबले या ढोलक के छोटे छोटे पीस बजते हैं, तो उनके अक्सर ये बोल है। लेकिन कभी कभी गजलों में, खास करके जगजीत सिंह, स्वर्गीय जगजीत सिंह जी के गजलों में ये बोल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे कुछ लगभग 15 बोल मैंने बताए हैं, तो उसको मैं हमारे साथ अंकित भंडारी आपको डेमो देकर के बताएंगे। दोस्तों, एक बात मैं और ये कहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी कार्यक्रम में हैं और जहां पर अचानक से कोई ऐसी फरमाइश आ जाती है कि उसमें तबला नहीं बजेगा या ढोलक नहीं बजेगा, सपोज पैड का गाना है, ऑक्टोपैड का गाना है या ड्रम का गाना है या पर्कशन बेस गाना है, लेकिन वहां पर और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ढोलक और तबला ही है, तो ऐसे जगह पर ऐसे गानों में खास करके ये बोल बजने चाहिए जो हम आपको अभी बताएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि फिलर के बोल होते हैं। और एक बात और, जैसा आजकल जितने भी ऑलमोस्ट गाने आ रहे हैं उनमें लगभग नहीं बज रहा जैसे ढोलक और तबला, जो मेन लहर वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे, इसके वाले इंस्ट्रूमेंट, उनमें ढोलक और तबला जनरली नहीं बज रहा है। लेकिन यदि आप वहां पर संगतकार के रूप में बैठे हैं तो खाली तो आप बैठेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ बजाना होगा ढोलक और तबला पे। तो यदि वो गीत कहरवा का है तो उस पे किस तरह से आप क्या बजाएंगे, कहरवा वाले जो भी आजकल जो गाने आ रहे हैं उनमें आप किस तरह से फिट कर सकते हैं, उनमें से मैंने अभी आपको 2-3 गाने गा करके बताया, उनमें जनरली तबला ढोलक नहीं बज रहा है, लेकिन अगर आपको बजाना है तो इस तरह से आप उसको फिट कर सकते हैं, लेकिन तब जब गाना कहरवा का हो। तो दोस्तों, आगे का लेसन कंटिन्यू करने के लिए हम चलते हैं अंकित भंडारी के पास। इन बोलों की श्रृंखला में मैं आपको ये बता दूं, जैसे कहरवा, जैसे कि किसी भी क्लासिकल ताल में कायदे पलटे का विस्तार किया जाता है, तो एक पलटे से दूसरा पलटा तीसरा पलटा बनता है, इसी तरह से हम भी इसमें इन बोलों का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे करके बढ़ा बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक धी धी तक ये सभी में लग रहा है, धी धी तक धी। और इसमें हम तक का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तथा किट का भी यूज करेंगे और साथ ही बीच में फिलर का भी यूज किया जाएगा। तो जब फिलर होगा तो हम आपको बता भी देंगे कि फिलर किस तरह से बज रहा है। अक्सर इसमें फिलर टिट का यूज हो रहा जो कि दाएं हाथ पे हो रहा है, स्याही पे। तो पहला बोल जो है वो है धी धी तक धी धी तक धी धी तक धी धी तक। अभी आप देख रहे हैं इसमें तक एक साथ बज रहा है। किसी किसी बोल में ऐसा भी होगा कि तार का अलग अलग यूज होगा, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस तरह से तक बजाना है, किस तरह से एक साथ वाला तक बजाना है, किस तरह से ता अलग और का अलग बजाना है। और यदि आप इसमें फिलर का यूज करेंगे तो हल्का सा तिट का यूज हो जाएगा इसी बोल में, धी धी तक धी धी तक तिट धी धी तक धी धी तक। अब दोस्तों, इसको आपने प्रयास के साथ तिट नहीं बजाना है, क्योंकि हम तो नेचुरली हमारे हाथ में फिलर बन रहा है, लेकिन आप पहले नॉर्मली बजाएंगे तो वक्त के साथ साथ ये फिलर आपके हाथ से अपने आप निकलने लग जाएगा, क्योंकि फिलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट मेन बोल है, फिलर बाद में अपने आप प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा। तो ये था आपका पहला बोल। दूसरा बोल है धी धी तक धी 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 तक धी धी तक धी 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 तक धी धी तक धी 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 तक धी धी तक धी 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 तक। अब यदि आपसे फिलर लगाना चाहे तो तक के बाद हल्का सा किट का यूज हो जा रहा है, देख सकते हैं आप। दी दी तक दी 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 तक तक दी दी तक दी 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 तक तक दी दी तक दी 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 तक तक। और दोस्तों, आपको गिस्से का भी खास ध्यान रखना, आप देख सकते हैं धीरे में गिस्सा किस तरह से आगे पीछे गिस्सा लग रहा है, गिस्से पे फोकस कीजिए। अब चौथा बोल जो है थोड़ा सा आर लय लिए हुए, क्योंकि इसमें एस और ता, अवग्रह और ता एक साथ एक ही मात्रा में है, तो किस तरह से आएगा, दी दी तक दी तगे तक 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 दी दी तक दी। आप चाहें तो तक के बाद किट का फिलर दे सकते हैं।
बोल में आप क्या करोगे, एक तक की जगह में दो तक का यूज कर दोगे तो कैसा आएगा, दी दी तक दी तगे तक तक दी दी तक दी तगे तक तक दी दी तक दी तगे तक तक। अब छठवा बोल ये भी थोड़ा सा आड़ ले लिए हुए, दी 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 तक 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 दी दी तक। इसी में आप लास्ट में चाहे तो तिट का यूज कर लीजिए, चाहे तो एक धी का और यूज कर लीजिएगा। यदि एक धी और यूज करते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, दी दी तक दी दी तक दी 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 तक दी दी तक तिट दी दी तक दी दी तक तिट दी दी तक दी दी तक तिट दी दी तक दी दी तक तिट। सातवां बोल जो हमारा बजेगा वो सातवां बोल इस तरह से, इसमें तक के साथ एक तक और यूज कर लेंगे लास्ट में। छठवां सातवां बिल्कुल सेम है, लेकिन सातवें बार में एक तक हमने और यूज कर दिया तो ये बनेगा, दी दी तक दी दी तक तक 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 दी दी तक दी दी तक तक। और फिलर का यूज करोगे तो लास्ट में टिट लग जाएगा तक के बाद, लास्ट में आप तक तक की जगह में ततकिट कर दोगे तो ये कैसे बनेगा, दी दी तक दी दी ततकिट दी दी तक दी दी ततकिट दी दी तक दी दी ततकिट दी दी तक दी। नवा बोल आपका बनेगा, दी दी तक दी तक तक इट, इसमें तक तक का ध्यान आप ये रखना कि तार का अलग अलग बजाएंगे, वैसे तो एक साथ भी बजा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे बजाइएगा, तक अलग भी हो सकता है तक एक साथ भी हो सकता है, तो हम अलग अलग वाला बजा करके बता रहे हैं, दी दी तक दी तक तक इट 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 दी दी तक दी। दसवां बोल दोस्तों, इसमें आपका ततकिट हो जाएगा लास्ट की चार मात्राओं पे, बाकी सेम रहेगा, स्टार्टिंग की चार मात्राएं सेम रहेंगी, मतलब कि दी दी तक दी ततकिट ततकिट दी दी तक दी ततकिट ततकिट दी दी तक दी ततकिट ततकिट दी दी तक दी ततकिट ततकिट। ग्यारह बोल जो है ये भी लगभग सेम है, लास्ट की जो चार मात्रा है तक दी ततकिट हो जाएगा, लास्ट की चार मात्राओं में तक दी ततकिट, तो कैसे बनेगा पूरा का पूरा, थोड़ा सा इसमें आड़ लाइन हमने नहीं लिया है, आप चाहो तो आड़ ले सकते हो, आप दी दी तक भी कर सकते हो या फिर दी दी तक दी तक दी ततकिट दी दी तक दी, तो आपकी मर्जी, आप आड़ लो या ना लो दूसरी मात्रा पर, तो यदि आड़ नहीं लेंगे तो ये बनेगा दी दी तक दी तक दी ततकिट, और यदि आड़ लेता है दूसरी मात्रा पर तो ये बनेगा दी दी तक दी ततकिट, तो आप आपकी मर्जी, आप आड़ ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, तो आप देखिए किस तरह से बजेगा। बारवा जो है बारवा इस तरह से है, इसमें भी आपकी मर्जी, आप दूसरी मात्रा पर आड़ लगाना है नहीं लगाना, तो मैं फिलहाल नहीं लगा के बता रहा हूँ, तो ये बनेगा
दी तत्तकिट तक दी तत्तकिट दी तत्तकिट तक दी तत्तकिट दी। इसमें तक लास्ट का जो पांचवी मात्रा का तक है वो एक साथ लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। दी तत्तकिट तक दी तत्तकिट दी तत्तकिट तक दी तत्तकिट दी तत्तकिट तक दी तत्तकिट। थोड़ा आड़ लय में है, दी तक दी तत्तकिट 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 दी तक दी तत्तकिट। चौदवा बोल जो है, दिन तत्तकिट तत्तकिट दिन तक दिन तत्तकिट तत्तकिट दिन तक दिन तत्तकिट तत्तकिट दिन। अब दोस्तों पंद्रहवा बोल जो है वो थोड़ा सा टफ है। 15 बोल तक जाने से पहले हम लोग आपको थोड़ा सा पहले ये बता दें कि किस किस तरह से लोग इसको बजाते हैं। एक तो बाएं हाथ पर ही गा गा का घिस करके बजा देते हैं इस तरह से, किस तरह से करके दोनों हाथ का यूज करके इस पे, ये इसको भी गा मानते हैं जनरली। ये गा जो लगता है कॉन्गो चोंगो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पे बजता है, लेकिन कुछ लोग इसको तबले या ढोलक पे भी इस तरह से बजाते हैं। अभी हम सिंपल करके बता रहे हैं इसी पे, दिन तक दिन गा 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 दिन तक दिन गा 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 दिन तक दिन गा 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 दिन तक दिन। अब कोई तो इस पर तीन गा लगाता है, कोई चार गा लगाता है। अभी जो हम बता रहे हैं वो तीन गा के हिसाब से है। यदि आप चार गा लगाओगे तो उसमें आड़ नहीं आएगा। चार गा में किस तरह से बजेगा, दिन तक दिन गा 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 दिन तक दिन गा 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 दिन। गागा एक ही हाथ से बजाओगे तो आपको गा का घिस्सा बैक की तरफ रखना है। किस तरह से आएगा, यही दिन तक दिन गगगगा दिन तक दिन गगगगा दिन तक दिन। थोड़ा जोरदार बोल है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है बैक को खींचने के लिए। अब दोस्तों जो मैंने कहा कि 15वें तक पहुंचने से पहले आप ये बजा लीजिएगा, जनरली लोग इन्हीं 15 के ये दो पार्ट को बजाते हैं, लेकिन यदि इनको दोनों को एक साथ मिलाकर यदि बजाते हैं तो इस तरह से आएगा। तो दोस्तों 15वें पे आपकी समझ में आ चुका होगा तो आपको क्या क्या करना है। चौथी मात्रा पर आप चाहे तो धुन बजाइए चाहे तो तुन बजाइए। कई लोग इस पर धुन बजाते हैं, कई लोग तुन बजाते हैं चौथी मात्रा पर। तो फिलहाल हम धुन करके ही बता रहे हैं, दिन तक दिन गा गा धा धग दिन तक दिन गा गा धा धग दिन तक दिन गा गा धा धग दिन तक दिन गा गा धा धग। दोस्तों इस तरह से जो 15वां जो बोल था इसके हमने दो पार्ट बताए, ज्यादातर ये दोनों तीनों पार्ट जगजीत सिंह जी के गजलों में बजती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये था हमारा आज का लेसन। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, हमारे ये बोल पसंद आए, हमारा ये तरीका पसंद आए, तो प्लीज हम लोग इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है, तो इसके फल के रूप में आप प्लीज ये कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।